तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूपीएस के एमबीए कोर्स के बारे में कि क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसी उसकी प्लेसमेंट है, कितनी फीस है और आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो और आखिर में आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करूँ रैंकिंग की तो यूपीएस की जो ओवरऑल रैंकिंग है यूपीएस 52nd नंबर पर आता है, और अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट कैटेगरी में यूपीएस की रैंकिंग है तो यूपीएस 39th रैंक पर आता है उस पर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पता होगा मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन में। हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ आपको, आपके मिनिमम 50% होने चाहिए आपके 10th में 12th में और ग्रेजुएशन में। और उसके बाद अगर बात करूँ कि डायरेक्ट एडमिशन की तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ऐड का लिंक दिख जाएगा जिस पे आप क्लिक करके एक व्हाट्सएप ऐड ओपन हो जाएगी आपकी, जहाँ पूछ सकते हो क्या प्रोसेस रहता है, आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। या फिर आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तब भी आपको प्रॉपर पूरा समझा देंगे। और उसके बाद अगर आप कॉलेज या ट्यूशन ना, तो मैंने गूगल फॉर्म वाली भी दे रखा है, जैसे आप फिल करोगे यूपीएस की टीम आपको थोड़ी देर में कनेक्ट कर लेगी और प्रॉपरली गाइड कर देगी पूरा आपको क्या प्रोसेस रहता है डायरेक्ट एडमिशन का। या अगर कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, फिर आपको एडमिशन चाहिए प्रॉपरली गाइड कर देंगे। या फिर अगर आपको कॉल चैट गूगल फॉर्म कुछ नहीं मतलब करना, उसके थ्रू कोई बात नहीं करनी, आपको डायरेक्ट यूपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आप मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। आप जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करोगे आपका यूपीएससी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कि आप फिल कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लास्ट ईयर गई थी एमबीए की वो थी 30 LPA की, और अगर मैं बात करूँ एवरेज प्लेसमेंट की तो लास्ट ईयर जो एवरेज प्लेसमेंट एमबीए गई थी वो थी 8.6 LPA की। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो आपका अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, 30 LPA बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है। और अगर एवरेज की बात करूँ तो 8.6 LPA। तो अब बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि मतलब किसको कितना पैकेज मिलता है, कैसे डिपेंड करता है 30 LPA हाईएस्ट किसको मिलता है, तो ये प्रॉपर आपके बेस्ड होता है आपके, जैसे आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो इंटरव्यू कैसे देते हो आप, ये सब प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस कैसा होता है उस टाइम, और आपके जो एकेडमिक्स में स्कोर आपके CGPA कितने आई है ऑल ओवर, जो आप MBA कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है कि आपकी प्लेसमेंट कैसी लगती है। अगर किसी के मार्क्स ही नहीं आ रहे लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस बहुत है तो भी आपके चांसेस है कि आपको कम की प्लेसमेंट मिले, ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट ना मिले। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, आपने इंटरव्यू भी अच्छा दिया, तो आपके चांसेस है कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीस की तो आपके 2 ईयर के कोर्सेज 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख लगते हैं, मतलब 18 to 20 लाख लगते हैं आपकी फीस में, प्लस आपके वन टाइम चार्ज होते हैं, आई कार्ड फीस हो गया, कॉन्वोकेशन फीस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस फी हो गया, रिफंडेबल डिपॉजिट हो गया, आपको सिर्फ एक सेमेस्टर में देने पड़ते हैं, 8 सेमेस्टर में नहीं देने पड़ते, तो ये सब भी आप ऐड करके चलना। और अब अगर बात करिए कि आपके लिए वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा, तो अगर आपको अच्छा एक्सपोजर चाहिए, आपको नया एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको जैसे कैंपस भी यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है देखने को मिल जाएगा, माउंटेन सराउंडेड कैंपस आपका, तो अगर आपको ये सब चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस करनी है, आपको नया एक्सपीरियंस मतलब चाहिए, जैसे आप माउंटेन वाले एरिया से नहीं हो तो आप यहाँ आ सकते हो, प्लस प्लेसमेंट्स हैं वो भी अच्छी देखने को मिल रही है आपको। फीस थोड़ी हाई है, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं मतलब लोन लेके यहाँ आ जाऊँ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो मैं ये आपको कहूँगा कि लोन लेके यहाँ आना अभी आप रहने दो। अगर आपके जैसे इतना है कि आप इतना पे कर सकते हो विदाउट लोन, तो आप आ जाओ यूपीएस में, तो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा।